तो ना ध्यान लगाना है ना मन को पकड़ना है, बड़ा सहल और सहज सरल मार्ग है। करना क्या है, बैठ जाना है, सोना नहीं है। इन 2 घंटों में कोई भी समय निकाल लो, जितना समय तुम निकाल सकते हो, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय तुम निकाल सकते हो आसानी से, वो समय निकाल के उठ के बैठ जाओ। बिस्तर पे नहीं बैठना है, कोई आसन बनाओ, उस पे आसन पे बैठ जाओ। जैसे भी बैठना है, वज्रासन में बैठना है, चौकड़ी मार के बैठना है, या ये सिद्धासन में बैठना है, या पद्मासन में बैठना है, बेशुमार आसन है जिसमें तुम्हें सुख मिलता है, उस सुख आसन में तुम बैठ जाओ। याद एक ही बात रखनी है कि रीढ़ की हड्डी तुम्हारी सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी में कोई बल ना हो, ऊपर से लेके नीचे तक, सेक्रम से लेकर के ऊपर ये सर्वाइकल की फर्स्ट हड्डी तक, सारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तुम एक आसन में बैठो, हिलना नहीं है, आंखें बंद कर लो, करना कुछ भी नहीं है, ना सतगुरु को याद करना है, ना कहीं ध्यान जमाना है, बस केवल बैठना है, केवल बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और आंखें बंद करके, हिलना नहीं है, वहाँ बैठे रहना है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद उठ करके सो जाना। सोना चाहो, नींद आई है, या जो भी करना करो। उस समय में जो लोग पिपासा से भरे हैं, जो लोग सच में प्यासे हैं, जो लोग सच में पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, वो अमृत जिसका उपाध्याय साहब ने अपने भजन में जिक्र किया, वो अमृत अगर पाना चाहते हो, जो कभी नहीं मरता है, जो सदा आनंद लिए हुए है, केवल आनंद, तो उस समय में तुम तक पहुंचने वाला पहुंचेगा, उस एक एक तक पहुंचेगा जो सच्चे हृदय से, प्यास सच्ची प्यास से भरा हुआ, उसी ख्याल से बैठा है। करना कुछ भी नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, चुपचाप बैठ करके कुछ नहीं करना है, एंड यू विल सी द अमृत वर्षा अपॉन यू। वो अमृत जो अभी तक नहीं बरस रहा था, वो बरस जाएगा, तुम्हारे ऊपर बरस जाएगा। हाथों को ऐसे नहीं छोड़ना, उस समय जब बैठना है, बेहतर रहेगा कि हाथ एक के ऊपर एक ऐसे करके, ऐसे झोली में अपनी में, गोदी में अपनी में रख करके बैठ जाओ। ये दोनों हाथों को ऐसे रख, तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि ये एक हाथ का दूसरे हाथ से जो मिलन है, हम नमस्ते ऐसे करते हैं इस देश में, नमस्कार करते हैं, इससे ज़्यादा इंटीमेट कोई टच नहीं है, इससे ज़्यादा घनित, इससे ज़्यादा घनिष्ठ, इससे ज़्यादा इंटीमेट, इससे ज़्यादा सुखदाई और कोई भी शरीर का टच नहीं है, कोई भी शरीर का स्थान छूने के लिए नहीं है। तुम किसी भी शरीर के स्थान को छू लो, लेकिन जब ये छूते हो, अपनी दूसरी हथेली को छूते हो, तो इस जैसा आनंद कहीं नहीं होगा। ये
न वो नहीं जानते, वो जान जाएंगे। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, हाथों को खुला नहीं छोड़ना। ध्यान की कई मुद्राएं हैं, ये भी मुद्रा है जो ज्ञान मुद्रा कहलाती है, कई मुद्राएं हैं। और ऐसे भी बैठते हो तो मैं बैठाता हूँ कई जगह, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और सीधी बैठना और बैठ करके ध्यान करना या सिमरन करना। लेकिन इस क्रिया में, छोटी सी क्रिया है जो करने के लिए नहीं है, यू हैव टू अलाउ थिंग्स टू हैपन, होगा, होने के लिए बैठना है, बस ऐसे बैठ जाओ कि होगा। और लाजमी तौर पे होता है, लाजमी तौर पे होगा, क्योंकि उस समय जो जो बैठा होगा, चाहे कितने भी हों, हजारों में हों, ज्यादा हों, उन तक वो परमात्मा शक्ति पहुंचेगी। अपने आप पहुंचेगी। जो मंत्र जाप नहीं कर सकते, जो समाधियां नहीं लगा सकते, जो सिमरन नहीं कर सकते, निध्यासन नहीं कर सकते, समाधि में तो जाना मुश्किल है उनके लिए, और जो कीर्तन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, उनके लिए बस ये एक ना सिमरन है, ना ध्यान है, ना श्रवण है, ना कीर्तन है, केवल बैठना है। उस समय एक से तीन सुबह के, प्रातः काल के, जो बैठ सकते हैं वो बैठे। अभी मैं चाहूँगा कि गुरु माँ का आपको पूरा आशीर्वाद मिले, इससे पहले कि आप उठें, इसके पहले कि आप उठें, गुरु माँ का आशीर्वाद पूरा लेना है। गुरु माँ आपको अपने वचनों से कृतार्थ करेंगी, और कुछ और बातें भी करेंगी आपके साथ, वो ज़रूरी है। शुक्रिया आपका ताली बजाने के लिए, शुक्रिया।